तो क्या आप भी बीसीए करने का सोच रहे हैं? तो पक्का आपके माइंड में ये डाउट जरूर आता होगा कि क्या बीसीए करना सही है, या फिर क्या बीसीए का सिलेबस हार्ड होता है या फिर आसान होता है। तो आप ही के इस डाउट को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ बीसीए स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया है, जिसमें मेनली 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट बीसीए कर रहे हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा या फिर बुरा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट बीसीए कर रहे हैं उनके हिसाब से बीसीए आसान है या फिर कठिन। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि उनके हिसाब से आफ्टर बीसीए क्या स्कोप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो क्लिप के साथ। बात आप सभी को, मेरा नाम कन्हैया पांडे है। ज्यादा इंट्रो ना देते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि बीसीए करना क्या सही है या गलत है। अब बीसीए करने में आप मुझे क्या महसूस हो रहा है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 1 से 2 मिनट की वीडियो है। देखो, जब भी मैं बीसीए का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, चाहे वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस या जावा है, तो एक तरीके से मुझे लगता है कि हाँ, मैं कुछ स्किल्स को सीख रहा हूँ या मैं कुछ अपने अंदर जो है डेवलप कर रहा हूँ, जिससे जो है मैं कुछ उससे अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। बीसीए में आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर आप उसे डीपली पढ़ते हो ना, तो फिर बीसीए करने के बाद ये कि आप उसे एक उस फील्ड को एक कोर फील्ड की तरह आप चूज कर सकते हो, जिससे आप एमसीए सॉरी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और पीएचडी में जो है आप अपना उसको कोर सब्जेक्ट लेकर चल सकते हो। और देखो, दूसरा चीज ये है कि बीसीए करना क्या सही है। तो देखो यार, मुझे लगता है कि जब तक कोई आपके पास स्किल नहीं होगी तब तक आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। बिना किसी स्किल के जो है कुछ भी पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और बीसीए आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म देता है, जिससे जो है आप कुछ गेन कर सकते हो, कई तरीके की स्किल गेन कर सकते हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग में हो, कोडिंग में है, या आपका वेब डेवलपमेंट में है, या डेटा साइंस में है, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है एक अपना कोर फील्ड बना सकते हो, साथ साथ अपने स्किल्स को आप इनहेंस कर सकते हो बीसीए में, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट है और काफी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं बीसीए कर रहा हूं, क्योंकि जब भी इसके सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ोगे तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफी आपको मतलब कि अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद। तो अच्छा है, मतलब कि आप कर सकते हैं बीसीए। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? मेरा मनीष शर्मा नाम है। और आप क्या करते हैं? मैं अभी बीसीए का स्टूडेंट हूँ। तो आप जो बीसीए कर रहे हैं, आपको बीसीए कठिन लगता है या फिर आसान लगता है? बीसीए हमको आसान लगता है, लेकिन थोड़ा मेरा इंग्लिश वीक होने के कारण थोड़ी सी कठिन लगती है। तो सर, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि बीसीए करना सही है या फिर गलत है? नहीं सर, बीसीए करना सही है, लेकिन थोड़ी सी भी इंग्लिश वीक होने के कारण थोड़ी दिक्कतियाँ होंगी। अच्छा, तो आपके हिसाब से इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए उनको जिनको इंग्लिश की जानकारी थोड़ी कम है? जिसको इंग्लिश की जानकारी कम है उनको थोड़ी सी इंग्लिश की मेहनत करनी चाहिए और उनको तब बीसीए आसान रहेगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि बीसीए में कोई स्कोप है आगे चल के फ्यूचर में? जी सर, बीसीए करके स्कोप है, अगर आगे चलकर अगर इससे बड़ी स्कोप चाहते हैं तो बीसीए करने के बाद आप एमसीए कर सकते हैं। जी सर। हाय एवरीवन, मेरा नाम रितेश गुप्ता है, मैं बीसीए कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी हो गया है। मैंने फर्स्ट ईयर में स्टडी की सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस, एलिमेंट्री मैथ और भी सब्जेक्ट हैं जो मुझे बीसीए करते समय काफ़ी अच्छा लगा। बीसीए करते समय आपको, अगर बीसीए आप करना चाहते हैं तो आपके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे बीसीए अगर आप करते हैं करना चाहते हैं तो आपके लिए लैंग्वेज जो है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो कोडिंग जो होती है पूरी कितनी कोडिंग होती है, क्योंकि बीसीए में कोडिंग ज़्यादा है। कोडिंग करते समय आपको इंग्लिश सिर्फ है, इंग्लिश। यदि आप बीसीए करना चाहते तो आप इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप कोडिंग करने बहुत आसानी होती है, और आपको कुछ कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। तो बीसीए अगर आप करना सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है, क्योंकि आप बीसीए करने बाद अगर आप एमसीए भी कर सकते हैं, अगर आप एमसीए नहीं करना चाहते हैं तो आप MBA भी कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम सूरज गुप्ता है, मैं बीसीए की पढ़ाई करता हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि क्या बीसीए आपके लिए एक सही ऑप्शन होगा या नहीं, या कठिन है या आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यह कठिन या आसान है। कोई भी काम हम शुरू में करते हैं तो हमें कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे उस काम के बारे में हमें नॉलेज होती जाती है, वो चीज़ हमको आसान लगने लगती है और हमें अच्छा महसूस होने लगता है। आप जानते होंगे कि जो बड़ी बड़ी करोड़ों कंपनियां हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर, ये सब आईटी सेक्टर की ही देन है। और यदि आप कंप्यूटर फील्ड में अपना एक अच्छा करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो बीसीए आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है।
धन्यवाद। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।